मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए देश भर के दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उच्च व गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालयों की स्थापना आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में की जा रही है। वर्ष 2022 तक 50% तक अनुसूचित जनजाति आबादी और 20,000 अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य आवासीय मॉडल खोलने का प्रावधान किया गया है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पाली में इस आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु लगातार मैंने माननीय मंत्री जी से पर्सनली मिलकर के और चिट्ठी के द्वारा भी उनको अवगत कराया गया कि ऐसा आदिवासी क्षेत्र है जहां पर एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय मॉडल की बहुत जरूरत है। तो इस तरह से 2011 की जनगणना को अगर हम देखें, इसके अनुसार पाली जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या लगभग 1,50,000 है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 8% है, जिसमें से पाली लोकसभा क्षेत्र के पाली ब्लॉक में 72,218 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो कि यहाँ की जनसंख्या का लगभग 35% है। पाली ब्लॉक के पास सुमेरपुर और देसूरी ब्लॉकों में भी लगभग 45,000 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। महोदय, पाली जिले के गोडवार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र बाली, सुमेरपुर और देसूरी ब्लॉक आदिवासी बाहुल्य है। ये क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला पर बसा है। ये क्षेत्र अपनी विषम भौगोलिक परिस्थिति और आदिवासी क्षेत्र के कारण शिक्षा स्थापनाओं व शिक्षकों की कमी दोनों की मार झेल रहा है। इसके कारण यहाँ के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से पूर्णतः वंचित रहे हैं, क्योंकि आदिवासी इलाका लंबे समय से वंचित है। लेकिन ये मूव जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का आदिवासी क्षेत्र में बहुत अच्छा मूव है। तो मेरा आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से मेरा माननीय जनजाति मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के इस गोडवार आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ।